आम बजट 2023-24 में मध्य प्रदेश को केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 18 साल के कागजों में दौड़ रही इस परियोजना को विधानसभा चुनाव से पहले शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए पन्ना छतरपुर की 5,480 हेक्टेयर गैर वन सरकारी जमीन हस्तांतरित किए जाने की औपचारिकता पूरी हो चुकी है। राज्य सरकार नौरादेही वन्य जीवी अभयारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाने की अनुमति पहले ही दे चुकी है। जानकारी के अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना कुल 46,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। इनमें से 1,100 करोड़ रुपए सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष में दे चुकी है। परियोजना में सबसे ज्यादा फायदा बुंदेलखंड के क्षेत्र का है, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 जिले आते हैं। इनमें मध्य प्रदेश के 9 जिले पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन आते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले हैं। बता दें, केंद्र सरकार ने नदियों को जोड़ने के लिए नेशनल प्रोटेक्टिव प्लान बनाया था। केन बेतवा लिंक परियोजना प्लान का पहला प्रोजेक्ट है। केन नदी का पानी बेतवा नदी में ट्रांसफर किया जाएगा। दोनों नदियों को जोड़ने के लिए 221 किलोमीटर लंबी केन बेतवा लिंक नहर बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश को अगर देखोगे तो केन बेतवा के लिए आप देखेंगे लगभग 3,500 करोड़ रुपया का आवंटन है। अनेकों जो योजनाएं बनी है उनकी गाइडलाइन अभी आएगी, लेकिन पीजीबीटी, मैंने कहा अत्यंत जो पिछड़ी हमारी अनुसूचित जनजातियां हैं उस योजना से हम लाभ उठाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सबके लिए, उसका लाभ प्रदेश के गरीबों को मिलेगा। एमएसएमई को अगर देखें तो 9,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी जो हमारे हिस्से में आएगी, और उनको 2,00,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेटरल फ्री क्रेडिट मिल सकेगा। हम अलग अलग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो मैंने जिक्र किया बीच में लॉन्च की जा रही है उसका लाभ हम उठाएंगे। एमएसएमई को 2,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा दिया जाएगा तो एमएसएमई के विकास में ये निश्चित तौर पर काम आएगा। फिर पीएम आवास योजना का जो व्यय बढ़ाए, मैंने कहा 66% बढ़ाए, तो हमारे यहाँ 79,000 करोड़ हो गया है, तो हमारे गरीबों के मकान बनेंगे। नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के साथ हमारे सब स्थानों पर खोले जाएंगे। यूनिटी माल की स्थापना हर राज्य की राजधानी में होगी, तो उससे ओडी ओपी जो उत्पाद है उसको प्रोत्साहन मिलेगा।